प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं रानी मैडम आप लोग को हिंदी सोम्या पढ़ाने जा रही हूँ। आज आप लोग को पाठ 12 पढ़ना है, जिसका शीर्षक है खेल और पढ़ाई। बच्चों, यह एक एकांकी है। इसमें पिता और पुत्र के बीच में वार्तालाप हो रही है। पढ़ाई का महत्व और खेल के महत्व के विषय में बताए हैं। आइए इस कहानी को पढ़कर हम लोग जानें कैसे पढ़ाई भी जरूरी है और खेल भी जरूरी है। आगे आप लोग ध्यान दें, इस चैप्टर को ध्यान से सुने। पिताजी बैठक में बैठे हुए हैं। नमन उधर से गेंद लिए हुए निकलता है। अब पिता बोलते हैं अपने पुत्र से, बेटा नमन यहाँ आओ। नमन बोलता है, आया पिताजी। और पास आकर बोलता है, बोलिए क्या आ गया है। फिर पिताजी बोलते हैं, कल मैं तुम्हारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय से मिला था। नमन बोलता है, अच्छा, मेरे विषय में उन्होंने कुछ कहा। फिर पिताजी बोलते हैं, हाँ, उन्होंने कहा कि वे तुम्हारे कार्य और व्यवहार से संतुष्ट नहीं है। पिताजी क्या बोलते हैं? नमन से कहते हैं, पिताजी कि प्रधानाध्यापक बोल रहे थे कि वे तुम्हारे कार्य और व्यवहार से संतुष्ट नहीं है। तब नमन बोलता है, पिताजी मैं तो सब काम ठीक समय से करता हूँ, फिर वे मुझसे नाराज क्यों हैं? तब पिताजी बोलते हैं, वे कह रहे थे कि तुम्हारा गृह कार्य ठीक नहीं होता। कौन कह रहे थे? प्रधानाध्यापक कह रहे थे। नमन फिर बोलता है, नहीं पिताजी, मैं ठीक ही काम करता हूँ। कौन बोलता है? नमन बोलता है कि नहीं पिताजी, मैं सब काम करता हूँ और मेरे उत्तर भी प्रायः सही होते हैं, हस्तलेखन भी ज्यादा बुरा नहीं है। अब देखो बच्चों, पिताजी क्या बोलते हैं? पिता बोल रहे हैं, ठीक होते हैं और पूरी तरह ठीक होते हैं में काफी अंतर है। इसी तरह ज्यादा बुरा नहीं है और बहुत अच्छा है। इन दो बातों में ही अंतर है। क्यों न तुम ठीक ही और प्रायः के निश्चित अच्छे विद्यार्थी बनो। उनका कहना है कि अच्छा, बहुत अच्छा होना और अच्छा होना दोनों में अंतर है। इसीलिए हम सुनना चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है, इसलिए इस बात का तुम ध्यान दो। अब आगे देखो बच्चों, नमन क्या कर रहा है। पिताजी, शिक्षक महोदय बड़े कठिन प्रश्न पूछते हैं। तब पिता बोलते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम उन्हें मन लगाकर नहीं करते हो, इसलिए वह तुम्हें कठिन लगता है। फिर नमन कहता है, मैं मन लगाकर तो करता हूँ, पर विद्यालय में बहुत अधिक गृह कार्य दिया जाता है, समय ही नहीं मिलता है। अब देखो दूसरा बहाना क्या बनाता है नमन, कि मैं मन लगाकर करता हूँ लेकिन विद्यालय में बहुत ज्यादा होमवर्क मिल जाता है, इसलिए समय हमको नहीं मिलता है। यानी अच्छे से करने से के लिए समय नहीं मिलता है, इसलिए हम जैसे तैसे कर लेते हैं। फिर देखो पिताजी क्या बोलते हैं। पिता बोलते हैं, तो फिर फुटबॉल, हॉकी आदि खेलने के लिए समय कहाँ से निकल आता है? तब बच्चा बोलता है, यानी नमन बोलता है, खेल खेलने से तो शरीर मजबूत और तंदुरुस्त रहता है, इससे बीमारियां भी दूर रहती है। तब पिताजी बोलते हैं, किंतु पढ़ाई भी आदमी को विद्वान और नरम बनाती है, इससे मन भी स्वस्थ होता है। तब फिर नमन बोलता है, पिताजी सचमुच मैं अपराधी हूँ, मैं अपना अधिक समय खेलकूद में नष्ट कर देता हूँ। अब मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और किसी को भी शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा। अब देखो नमन के समझ में आ गया कि कब पढ़ाई करनी चाहिए और कब खेलकूद करना चाहिए। फिर वह पिताजी बोलते हैं, मुझे तुमसे यही आशा थी। अब पिताजी भी संतुष्ट हो जाते हैं कि अब नमन के समझ में सारी बातें आ गई। और नमन भी अफसोस करता है कि हाँ, हम अच्छे से होमवर्क नहीं करते थे, जैसे तैसे करने के कारण मेरा प्रश्न का उत्तर सही नहीं होता था। अब हम मन लगाकर पढ़ेंगे, समय से खेलेंगे भी और समय से पढ़ाई भी करेंगे।
इस कहानी में कुछ कठिन शब्द भी है जिसको हम यहाँ स्लेट पर पढ़ लिखे हैं। बच्चों आप लोग इसे अपनी कॉपी में उतार लें और इसे याद कर लें। इस वीडियो को बार बार देखें और बार बार देखने से आपके समझ में पूरी कहानी आ जाएगी और आप लोग असाइनमेंट बनाने में आपको सुविधा होगी। धन्यवाद।